राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। करोड़ों लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। इसी आस्था पर सियासी रोटियां सेककर बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंची है। राम का नाम लेकर ही बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंची है। सालों से बीजेपी राम नाम की खेती कर हिंदुओं को मंदिर का आश्वासन देकर सत्ता पर काबिज हुई है। अब मिशन 2019 नजदीक है, इसलिए हिंदू संगठन सरकार से राम मंदिर बनाने की जिद कर रही है। संघ से लेकर बीएचपी तक सभी सरकार से संसद में अध्यादेश लाने की मांग कर रही है। लेकिन जो राम मंदिर मुद्दा को भुनाकर सियासी दुकान सजाकर दिल्ली दरबार में बैठे हैं, वो मौन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बीएचपी के नेता कह चुके हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून लाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू संगठनों ने सरकार को जगाने के लिए धर्म सभा बुलाया। हजारों साधु संतों और राम भक्तों ने इस सभा को इकट्ठा होकर सरकार से शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकालने को कहा है। इस सम्मेलन में देश भर के साधु संत जुटे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी वक्ताओं ने राम मंदिर बनाने पर जोर दिया। संघ सर कार्यवाहक भैया जी जोशी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, बीजेपी राम मंदिर पर अपना संकल्प पूरा करे। उन्होंने कहा कि 1992 में जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर भविष्य में देश में राम राज्य का आधार है। भैया जी जोशी ने रामलीला मैदान से हुंकार भरते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। कभी तो लगता है कि उन्होंने भी अपना एक संकल्प घोषित किया है, अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने संकल्प को पूर्ति करने की दिशा में उन्होंने बढ़ना चाहिए, यही हम सब उनसे निवेदन करते हैं। इस भीड़ को देखकर लगता है कि साधु संत संघ बीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को इतनी आसानी से सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। बीएचपी अध्यक्ष सदाशिव कोगजे ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, न्यायालय नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हर 6 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? वहीं बीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के लिए कानून लाना ही होगा। हमारी ये सभा रामलीला मैदान में ही नहीं रही, ये राजघाट तक फैल गई थी। देश की जनता संसद से चाहती है कानून, और हम उम्मीद करेंगे कि अब ये कानून हमें मिलेगा। चाहे बिल आए, चाहे ऑर्डिनेंस आए, हमें कानून चाहिए। और आगे की परिस्थिति का विचार कुंभ मेले के धर्म संसद में 31 जनवरी को करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाई गई धर्म सभा मंत्रोच्चारण के बाद शुरू हुई। धर्म सभा में पहुंची साध्वी रितंभरा ने हुंकार भरते हुए सरकार से जल्द राम मंदिर निर्माण कराने को कहा। रितंभरा ने कहा कि राम की बात करने वाले ठाट में आ गए, पर राम मंदिर अब तक नहीं बना। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को भी राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। रितंभरा ने कहा कि राम की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाओ या अयोध्या को दियों से जगमगाओ, लेकिन जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक चैन नहीं मिलेगा। हमें हमारी पीड़ा व्यक्त करनी थी। जिस तरह न्यायालय ने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता नहीं है, इसको सुनना और उसकी बेचैनी का बढ़ना, वही कारण है इस विराट धर्म सभा का। हम देश की सरकार से चाहते हैं कि वो अध्यादेश लाए और राम मंदिर का निर्माण कराए। दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए साधु संत सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे ताकि इस सत्र में सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश ला सके। बीएचपी का कहना है कि धर्म सभा से सरकार का हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन अमित शाह हाल ही में कह चुके हैं कि वो संघ से इस बारे में बात करेंगे। वो कह चुके हैं कि कोर्ट में मामला है, इसलिए विधेयक लाना संभव नहीं है।
लेकिन योगी कह चुके हैं कि अध्यादेश लाया जा सकता है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश लाने की बात नहीं कही है। वहीं साधु संतों ने साफ कहा है कि सरकार को किसी भी हाल में कानून लाना ही होगा। बीएचपी ने साफ धमकी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र में राम मंदिर को लेकर विधेयक नहीं आता है तो प्रयाग में होने वाले महाकुंभ में भविष्य की रणनीति तय होगी। महाकुंभ में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक 2 दिवसीय धर्म संसद होनी है, जिसमें राम मंदिर समेत कई अन्य मुद्दों पर धर्मादेश जारी होगा। यानी बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ मिशन 2019 की तैयारी करनी है, जिसके लिए बीजेपी को मंदिर मुद्दे का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो दूसरी तरफ साधु संत आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना होगा कि सरकार शीतकालीन सत्र में संघ और बीएचपी के दबाव में अध्यादेश लाती है या नहीं। फिलहाल राम मंदिर पर तवा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।